हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बजे सुबह के 6:30 और आज है फ्रेंडशिप डे। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की खूब 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 शुभकामनाएं। दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है ना जो हम दिल से बनाते हैं, और सच्चा दोस्त अगर मिल जाए ना तो ज़िंदगी के तो मज़े ही कुछ और हैं। मुंबई में हो रही है जम के बारिश। देखिए सुबह कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है, रात भर बारिश हुआ है, रात भर कैमरा क्या हो गया था, ये देखिए रात भर बारिश हो रहा है, आसमान में तो पूरे बादल छाए हुए हैं। पता नहीं कैमरे में कितना मैं आपको दिखा पा रही हूँ, बट अच्छा खासा बारिश हो रहा है। 100% बारिश बताया गया है आज मुंबई में, और रेड कर दिया गया है बहुत सारे जगह पे, इतना बारिश हो रहा है। और मैं उठी सुबह, आज मैं वीक में एक दिन ब्रेक लेती हूँ वर्कआउट से, तो आज मैंने वर्कआउट नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं संडे को नहीं वर्कआउट करती हूँ, बट आज मैंने नहीं किया है। मंडे से लेके सैटरडे तक वर्कआउट की थी सुबह, बट आज मैं वर्कआउट नहीं की हूँ। आज थोड़ा रिलैक्स है, थोड़ा उठना सो के उठ के मेडिटेशन कर ली, अच्छे से मेडिटेशन की हूँ। और ये मेरा सेकेंड कप है गर्म पानी का, तो गर्म पानी इन्जॉय करते रहें। पृथ्वी और हेमंत सोए हैं, बहुत ही कोजी कोजी, ठंडा ठंडा लग रहा है। उठने का मन नहीं हो रहा था, मुझे खुद को उठने का मन नहीं हो रहा था, इतना अच्छा ठंडा ठंडा वेदर था। तो चलिए जाते हैं, बनाते हैं ब्रेकफास्ट और स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आप तो हमारा इंस्टेंट प्लान बन गया, क्योंकि हम नवी मुंबई में रहते हैं तो हमें नज़दीक है लोनावला, और इस बारिश में लोनावला का मज़ा ही कुछ और है। तो हम निकल पड़े लोनावला के लिए। ये मेरी फ्रेंड ललिता है, जो मेरी बहुत 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 खास दोस्त है, और उसके हस्बैंड भैया जिन्हें मैं राखी बांधती हूँ, मेरे भैया हैं। तो हम सब जा रहे हैं एक साथ लोनावला। हम लोग को कहाँ जाएंगे पहले तो सोच ही नहीं पा रहे थे, कहाँ जाएंगे। फिर ये हो गया कि ठीक है लोनावला ही चलो, लोनावला में तो बारिश में मज़ा ही कुछ और है लोनावला का। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और देखिए हम फ्रेंडशिप डे में लोनावला में कोजी कोजी वेदर में क्या कर रहे हैं। बारिश में लोनावला घूमने का मज़ा ही कुछ और है, बट सेफ्टी के साथ घूमना बहुत अच्छा है। बिकॉज देखिए यहाँ पे जो वाटरफॉल देख रहे हैं ना, ये पहाड़ के ऊपर है। अब ज़्यादा ऊपर तक जाओगे तो स्लिपरी बहुत है, गिरने का चांसेस है। तो सावधानी से जितना मतलब हो सके एंजॉय भी करो और सेफ्टी को भी नज़र में रखो, ऐसे घूमना चाहिए। तो मैं सबको बोलूँगी जो भी लोनावला आ रहे हैं या फिर जो भी पहाड़ी माउंटेन एरिया में जा रहे हैं, स्पेशली रेनी सीजन में, तो प्लीज़ घूमने के साथ साथ इंजॉयमेंट के साथ साथ सेफ्टी का भी अच्छे से ध्यान रखिए। लोनावला का वेदर क्या ही मैं बताऊं आपको, इतना अच्छा था। ठंडा तो बहुत था, हवा तो भयंकर चल रहे थे, बट देखने लायक था। मतलब जो नज़ारा है ना बाहर का, जो बोलते हैं ना नेचर, देखने लायक था, बहुत सुंदर था। ये देखिए सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, हम स्लो स्लो गाड़ी लेके जा रहे थे, बट खुले हवा में सांस लेने का जो फीलिंग होता है ना, बोलते हैं ना, वो ठंडी हवा में बारिश हो रहा है और इतने सारे फॉग है, मतलब नज़ारा बहुत अच्छा था। मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख ही सकते हैं कैमरे में कि क्या दिख रहा है, धुंधला, कुछ दिख नहीं रहा था। और अभी बजा था कुछ दोपहर के ढाई या तीन बजे थे, शायद 3 o'clock हुआ था, और ये हालत था वहाँ का। और बारिश तो जो हो रहा है, और ठंडा कैसा लग रहा है, मजेदार है, खाने फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था चीज़ पकोड़ा और पालक पकोड़ा। चीज़ पकोड़ा तो ऑलवेज़ बहुत ही अच्छा रहता है, बट पालक पकोड़ा मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे ट्राई किया, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ललिता को तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इतना ठंडा लग रहा था उधर, इतना ठंडी लग रहा था ना, अच्छा हुआ ये कवर करके रखे हैं। नॉर्मली गर्मी के दिन में ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे बैक साइड में जो कवर है, ये इन लोग ओपन कर देते हैं,
और हम लोग आराम से बैठते हैं, नज़ारा देखते हैं। बट आज जो हालत था, ये चारों तरफ से कवर कर दिए हैं, गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी और पकोड़े का आनंद ले रहे थे हम लोग बैठ के। ठंडा तो बहुत लग रहा था, हम फ़ोटो वोटो खींच के आ गए, फ़ोटो बहुत सारा क्लिक किए, बट आके थोड़ा देरी रेस्ट किए। हमारे जो भैया है ना, ये बड़े शौकीन है फोटो के, वीडियो के। तो मेरा फोटो वीडियो लेना छोड़ के उनको अपना ही वीडियो बनाना था, ये देखिए। और मैं उनका शूट कर रही थी और वो अपने आप नाचे जा रहे थे, डांस किए जा रहे थे। इसमें म्यूजिक कुछ नहीं प्ले हो रहा था, बिकॉज वहाँ पर नेटवर्क जीरो था, कोई म्यूजिक नहीं था, वो ऐसे ही डांस कर रहे थे। और बाद में हम लोग को इसमें म्यूजिक ऐड करना है। भैया तो पूरा मस्ती में डांस कर रहे थे, कोई गाना नहीं, वो अपने आप डांस कर रहे हैं और मैं उनका शूट किए जा रही हूँ। बहुत मजा किया, मतलब उस थोड़ा सा टाइम में ना बहुत एंजॉय किया। अभी जो करंट कंडीशन है लोनावला का, कुछ ऐसा है। ये है लोनावला का कंडीशन, ये है लोनावला। और हम लोग अभी अभी हम लोग यहाँ पर है सिबलिंग पॉइंट में है, जो कि टाइगर हिल जो पॉइंट है, टाइगर हिल के पास ही है। तो हम यहाँ पे सेफ है। आप थोड़ा दिन दिन में आना है, अंधेरा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज फॉग इतना है आपको दिखेगा नहीं कुछ। तो थोड़ा अंधेरे में नहीं आना है, थोड़ा दिन दिन में आना है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर से कुछ थोड़ा चाय वगैरह खाएंगे और फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे। आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। सब दोस्त लोग बहुत खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को और हैप्पी रहो। तो चलिए जाते हैं, वहाँ पर चाय पकौड़ा खाते हैं। हम यहाँ से ना केक लेके गए थे कि पहाड़ के ऊपर जाएंगे और केक कट करेंगे, उसका मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे जो आंटी है ना, जो केक बनाती है भज्जी पकोड़े, जो आजी है, उनके हाथ से ही हम लोग ने केक कट किया। चाय पकोड़ा खा के, और जो ठंडा लग रहा है, पृथ्वी का हालत देखो। पृथ्वी है जो ठीक ठाक पहन के आया है, ठंडी से बच गया है, और हम लोग का ये हालत है। मेरा तो यार पूरा पीला हो गया, ठंडा लग रहा है। हिलो जाके गाड़ी में बैठ गए, चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये डोरी बंद हुआ, अभी से बैठोगे? बैग दे दो उधर, छतरी पे। मैं डिगी मेरा छतरी ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों, आई होप आज का ये छोटा सा हमारा ब्लॉग आप लोगों ने इंजॉय किया है। रेनी कोजी कोजी डे इन लोनावला और हमारा फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन, आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। दोस्तों, अगर न्यू है चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके खूब सारा